फ्रेंड्स, मैं रंजना लाल होम गार्डनिंग चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको नए वर्ष की शुभकामनाएं देती हूं। ये वर्ष आपके लिए आने वाला आपके लिए और आपके परिवार के लिए बहुत ही शुभ हो। देखिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैंने विंटर के एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट क्राइजेंथिमम के ऊपर बनाया है, जिसे हम लोग हिंदी में गुलदाउदी कहते हैं। गुलदाउदी जो है वो जाड़ों में हर एक के घर में खिलने वाला एक बहुत ही सुंदर जाड़ों का पौधा है और इसके फूल देखिए कितने सुंदर हैं। सब मेरे घर में, मैंने अपने गार्डन में बहुत सारे कई कलर्स के गुलदाउदी लगा रखे हैं। डिफरेंट डिफरेंट कलर पे गुलदाउदी आते हैं। ये देखिए, ये हैगा रानी रंग का गुलदाउदी ये, और ये पिंक कलर के भी लगे हुए हैं। ये गमले पिंक भी लगे हुए हैं, ये डार्क रानी कलर में हैं। ये इसके साथ ही ये गुलदाउदी जो है ये वाइट कलर में है। देखिए, ये आपका जो है वो डार्क मस्टर्ड कलर में है, पिंकिश लिए हुए। ये देखिए, ऑरेंजिश शेड है इसका, पिंकिश नहीं, ऑरेंजिश शेड में है। ये हाइब्रिड क्वालिटी के सारे गुलदाउदी हैं, और ये भी वाइट गुलदाउदी है। ये देखिए, मस्टर्ड कलर का गुलदाउदी है ये, और पूरे ही गार्डन में जो है ये सुंदर दिखाई दे रहे हैं कितने लगे हुए। विंटर के फेवरेट प्लांट्स में से मेरा एक ये फेवरेट फ्लावर है, और मैं इसको हमेशा से अपने गार्डन में ग्रो करती चली आई हूँ। देखिए, आपको ये जो गमले दिखाई दे रहे हैं फ्रेंड्स, ये जो गमले हैं ये मेरे, मैंने इन्हें कटिंग से तैयार किया है। कटिंग के साथ ही जब फ्लावरिंग इनकी पूरी हो जाती है तो मैं इन्हें ऊपर से काट देती हूँ, और नीचे से जो है वो इनके पौधों को ऐसी पड़ा रहने देती हूँ। उसमें से थोड़े समय बाद नीचे से जड़ों में से सकर्स निकल आते हैं, छोटे छोटे पौधे कहलाते हैं सकर्स, उनको भी मैं ग्रो कर लेती हूँ, प्लस कटिंग भी इसकी लगा देती हूँ, और उससे मैं ये पौधे तैयार करती हूँ। इस कटिंग को से और सकर्स के निकाला हुआ एक पूरा वीडियो मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है, आप मेरे चैनल पे जाके उसको वॉच कर सकते हैं और पूरे गाइडेंस ले सकते हैं कि किस प्रकार से आप छोटे छोटे पौधे लगा के गुलदाउदी के से ये सुंदर फूल हजारों की संख्या में प्राप्त करिए। इसके लिए फ्रेंड्स, एक जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो है सनलाइट रिक्वायरमेंट। ये गुलदाउदी चाहे छोटा हो या बड़ा, इसे अच्छी धूप चाहिए, प्लस इसे वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए। तो जब भी आप इसको लगाएं और इसको ग्रो करें तो आप इसके गमले में ड्रेनेज होल की चेकअप ज़रूर कर लें कि ड्रेनेज होल इसका खुला हुआ होना चाहिए। प्लस गुलदाउदी के लिए जो आप सॉइल मिक्सचर बनाएं उसमें आप टोटल गार्डन सॉइल बिल्कुल ना रखें। उस मिक्सचर में आप 40% गार्डन सॉइल, 40% वर्मी कंपोस्ट और 20% सैंड का इस्तेमाल करके इन छोटे छोटे पौधों को लगाइए। इसके छोटे छोटे पौधों को लगाइए, उसके जब वो बड़े हो जाएं तो आप उनको बड़े गमले में रिपॉट कर सकते हैं। इसके साथ ही जो है मेरे चैनल पे गुलदाउदी के और भी वीडियोस पड़े हुए हैं, जिन वीडियोस में मैंने ये दिखाया है कि इनमें जब ये बड़े हो जाते हैं तो इनमें हम कौन से मैन्योर का इस्तेमाल करें। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहती हूँ, मैं अपने वीडियोस में हमेशा ये बताती आई हूँ कि कोई भी फ्लावर जब मैं अपने गार्डन में ग्रो करती हूँ तो मैं उनमें केमिकल फर्टिलाइज़र्स का प्रयोग बिल्कुल नहीं करती हूँ। केमिकल खादों को डालने से आपको फ्लावरिंग जल्दी प्राप्त हो जाएगी, लेकिन वो सॉइल को आपकी स्पॉइल कर देते हैं आगे के लिए। केमिकल फर्टिलाइज़र बहुत तेज़ होते हैं। आप थोड़ा समय लेके फ्लावर्स को ग्रो करिए, लेकिन आप हमेशा जो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स का प्रयोग कीजिए। तो गुलदाउदी के इन प्लांट्स को ग्रो करते समय मैंने इसमें मस्टर्ड केक लिक्विड फर्टिलाइज़र, वर्मी कंपोस्ट और इसके साथ ही काउडंग कंपोस्ट और इसके नीम खली का इस्तेमाल किया है। नीम खली इसके जड़ों में कीड़ों को लगने से रोकती है, और बोन मील और नीम खली दो ऐसे फर्टिलाइज़र्स हैं जो ऑर्गेनिक हैं और हमारे पौधे को ताकत देते हैं।
बोन मील से इनको कैल्शियम मिलता है। इसके साथ ही जो मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र है, बहुत ही हेल्दी फर्टिलाइज़र है पौधों के लिए, उसको आप लिक्विड फॉर्म में या उसको आप पीस कर भी अपने पौधों में दे सकते हैं। अब जब ये पौधे जो हैं, एक इनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उसका भी मैंने वीडियो डाला हुआ है, कि जब ये पौधे थोड़े से बड़े हो जाएं, 8-10 इंच के हो जाएं, तो आप इनमें पिंचिंग स्टार्ट कर दीजिए। पिंचिंग जो है गुलदाउदी का एक बहुत ही हैवी ब्लूमिंग लेने के लिए पिंचिंग एक बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है। मैंने इन पौधों को अक्टूबर के महीने में लगाया था, अक्टूबर और नवंबर में जब ये बड़े हो गए थोड़े थोड़े, तो मैंने इनमें 2 से 3 बार तक ऊपर की ब्रांच में, जैसे यहाँ पर अब तो फ्लावर आ गए, बट जैसे यहाँ पर बड अगर नहीं आई हो, आप यहाँ से पौधे को पिंच करिए तो इसमें साइड से देखिए, मैंने जो है वो ब्रांचेस निकल आती हैं, और उसको फिर पिंच करिए तो फिर उसमें से और ब्रांचेस निकलती हैं और बड्स उतनी ही बढ़ती चली जाती हैं। तो पिंचिंग जो है वो गुलदाउदी के प्लांट में हैवी ब्लूमिंग लेने के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और इसको आप अपने गार्डन लवर्स अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। अब इसमें एक और समस्या एपिड्स की आती है। एपिड्स देखिए, एक काले रंग का कीड़ा होता है, वो इसकी ब्रांचेस में लग जाता है, और उसको वो लगने से जो है वो इसकी डालियों में ये यहाँ से रस चूस लेता है, मैंने बताया है अपने और वीडियोस में, और ब्रांचेस को कमज़ोर कर देता है, बड्स भी छोटी छोटी रह जाती है, और जैसे ये आपको हैवी ब्लूमिंग दिखाई दे रही है वो नहीं दिखाई देगी, फूल आपका बहुत छोटा छोटा आएगा। तो उसके लिए मैंने होममेड पेस्टिसाइड का इस्तेमाल आप कैसे करें ये अपने एक वीडियो में बता रखा है, और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो फ्रेंड्स, गुलदाउदी जाड़ों का एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावर है, इसको लगाने से आपका गार्डन बहुत ही सुंदर लगता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इसको अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं, मेहनत से उगाएं, अधिक फूल पाएं, थाउजेंड्स में फूल पाएं, और आपके अपने गार्डन को सुंदर लगाएं, डिफरेंट डिफरेंट बनाएं, सुंदर सुंदर कलर्स में गुलदाउदी आपको पौध मिल जाएगी, उसे आप लगाएं और ग्रो करें। तो फ्रेंड्स, मेरे अगर आपको गुलदाउदी फ्लावर के ऊपर, क्राइजेंथिमम फ्लावर के ऊपर ये पॉइंट्स पसंद आए हों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन प्रेस कीजिए। बाय, हैप्पी गार्डनिंग।